आज हम लोग सीखेंगे कि फोटोशॉप में ज्वेलरी को हाईलाइट कैसे किया जा सकता है। यह जो ट्रिक है बहुत ही आसान और इजी है। ये हमारा फोटो है, इस फोटो पे हम लोग ज्वेलरी को हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फोटोशॉप के इमेज मेनू में जाएंगे। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट ऑप्शन पे जाके ह्यू सैचुरेशन ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रीसेट पे आ रहे हैं। ये सारे जो रेड, ग्रीन, सियान, ब्लू, मेजेंडा, येलो है, सारे अमाउंट को हम लोग यहाँ पे जीरो कर लेंगे, सिर्फ येलो को छोड़कर। तो एक एक करके सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इनको जीरो कर दे रहे हैं। ग्रीन को भी हम लोग इस तरह से सेलेक्ट करके जीरो कर दे रहे हैं। इस तरह से आप येलो को छोड़कर बाकी का जितना भी कलर है इनको हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे जीरो कर लेंगे। ये हो गया। अब हम लोग येलो को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, इनकी अमाउंट को थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज यहाँ पे कर ले रहे हैं। ये देखिए, आप अपने अनुसार यहाँ पर जितना आपको हाईलाइट करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ रख लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि येलो तो साथ साथ में अदर जगह पे भी आ गया है, साड़ी पे भी। इसको हम लोग रिमूव करने के लिए लेयर पैनल पे हम लोग करेंगे, एक हम लोग एडजस्टमेंट लेयर लेंगे। एडजस्टमेंट लेयर पे हम लोग ब्लैक एंड वाइट ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद लेयर को फिर आप लोग सेलेक्ट करेंगे, आप कंट्रोल आई यहाँ पे कर लेंगे। आई करने के बाद आप ब्रश को सेलेक्ट करके जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लग रहा है उसको आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ से आप ब्रश को आप यहाँ धीरे धीरे आप यहाँ से ब्रश का साइज थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा कर ले रहे हैं। एक आपको यहाँ पे थोड़ा सा रफली आपको दिखा ले रहे हैं, आप थोड़ा सा आराम से आप यहाँ से कीजिएगा। ये हो गया। ये कंप्लीट हो गया। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल का घंटा ऑन कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। नमस्कार। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।